उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज दफन हैं। लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता ए सियाह पर काली चाक से नहीं लिखता, बल्कि सफेद चाक का इस्तेमाल करता हूं ताकि तख्ता ए सियाह की स्याही और ज्यादा नुमाया हो जाए। लेकिन उसने शुरू से यह कोशिश की है कि वो खुद को कछुआ बनाए रखे। जो एक बार इतना सिर और गर्दन छुपा ले तो आप लाख कोशिश करते रहे उसका सुराग ना मिले। वो अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। उसने पहला अफसाना बाउनवान तमाशा लिखा जो जलियांवाले बाग के खूनी हादसे से मुतल्लिक था, लेकिन ये उसने अपने नाम से ना छपवाया। लोग कहते हैं कि वो उर्दू का बहुत बड़ा अदीब है और मैं सुनकर बहुत हंसता हूं, इसलिए कि उर्दू उसे अब भी नहीं आती। वो लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे कोई जाली वाला शिकारी तितलियों के पीछे। लेकिन उसके अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के सफर के बाद मुगलपुर पहुंची। लूट आग भागम भाग गोलियां रात स्टेशन और सकीना। जी मैं इसका बाप हूं। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई, उसने बेजान हाथों से अजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सराजुद्दीन खुशी से चलाया, जिंदा है मेरी बेटी जिंदा है। और साहब पाकिस्तान तो पहले का ही देखा वाला था, लेकिन जब से जिंदाबाद हुआ वो कल सवेरे देखा, अब बिजली के खंभे पर देखा, पर नाले पर देखा, शानशीन पर देखा, छज्जे पे देखा, चौबारे पे देखा, गर्ज की हर जगह देखा और जहां ना देखा वहां देखने की हसरत लिए घर लौटा। पाकिस्तान जिंदाबाद ये लकड़ियों पर डाल, पाकिस्तान जिंदाबाद गर्मा गर्म चाय, पाकिस्तान जिंदाबाद फटाफट महाजर हेयर कटिंग सैलून, पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ ताले मरम्मत किए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद गर्मा गर्म चाय, अब पाकिस्तान जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह की ये दुकान सैयद अनवर हुसैन जलंधरी के नाम अलॉट हो गई। वो तो कहीं नहीं गया, यही है और महफूज है। मैंने कहा कहां? अजैब घर में कि फूल बेकार खिले हैं, कलियां बेमतलब चटक रही हैं, ये जो उनकी तरफ देखे बगैर चले जा रहे हैं, इनकी खुशबू से बिल्कुल बेखबर है, क्या इनकी जगह इस बाग के बजाय जहरीली शफाखाना नहीं? हिंदुस्तान के कुत्ते पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कुत्ते हिंदुस्तान में।